गुड मॉर्निंग, जय सोमनाथ। आज फिर से आ गए हम नए व्लॉग के साथ। हाँ जी हाँ, नए व्लॉग के साथ। भाई उठे हैं अभी, 10 बज चुके हैं। अभी अभी फ्रेंड का फोन आया, इसलिए नींद उठी है, वरना अभी भी पड़े ही रहते हैं उन्दे होके। चलो अभी उठ चुके हैं तो ब्रश ब्रश कर लेंगे। चलो नीचे जाके ब्रश कर लेते हैं, फिर नाश्ता वास्ता कर लेंगे। हलो नाश्ता करवो हुई तो હું બનાવું, એ તો નીચે જાય પછી ખાવા પડે ને મમ્મી, હું બનાવું, તમારે તો પેલા જ ભાઈ જાણી લેવું હોય। હા તો હું એ ફ્યુ મોમેન્ટ્સ લેટર। ચલો ભાઈ બ્રશ બ્રશ તો કરી લીયા હે, નાસ્તા ભી બાકી હે। નાસ્તા તો મમ્મી ને બોલા, ઉનકા ગુરુવાર હે તો નાસ્તા બનાયા નહીં હે, ઉનકા ગુરુવાર તો હમકો ભી નાસ્તા નહીં કરને કા। શાબાશ। चलो अभी तेल वेल डाल लेते हैं माथे में, फिर जाएंगे कुछ नाश्ता वास्ता करने बाहर। होली खेली थी ना अभी, 2 दिन तक खेली थी, तो बाल इतने वो रफ हो चुके हैं, इतने रफ हो चुके हैं कि कंपैरिजन नहीं नहीं हो सकती कि कहाँ से कैसे रफ हुए हैं। समझ रहे हो बात? तेल डाल लेते हैं, बाल मजबूत हो जाएंगे, नरिशमेंट मिल जाएगी बाल को, तो बाल भी इतने बड़े बड़े ना, आज प्रॉपर दिखा सकते। देखो आप, देखो कितने बड़े बाल है, चोटली वड़ी जे चोटली एटले बड़े बाल है। चलो हम तेल डाल लेते हैं, फिर जाएंगे बाहर नाश्ता करने। मिल जाए तो अच्छा, कुछ 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि नाश्तो अवर है 7:30 सुधी मळे। वैदो वैदो मळ्यो होय छे, मळशे आपणने। हालो भाग्य। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये नाश्ता करने पहुंच आए हैं बस स्टैंड के पास दाल पकवान खाने, और यहाँ तो बंदा ही गायब है, पकवान कौन बना के देगा। चलो उसको ढूंढ लेते हैं। नाश्ता वास्ता करके घर पे आ चुके हैं। घर पे आते ही मम्मी खाना बना रही है, बोला जल्दी बनाना, भूख लगी है, क्योंकि एक पकवान में अपना पेट नहीं भरता। सही पकड़े हैं। अभी वो बापेला मग दे के गई है अभी मेरे को, वो खाना बना रही है, मग भात साग रोटला, मजा आ जाए खावानी। त्यावधी आप टेको कर लिए थोड़ोक, हालो त्यावधी आप टीवी जोई लीए। मग खाते खाते टीवी में जोई सको छो, फिर हेरा फेरी आवे छे, राजू भाई लेटका छे, बाबूराव पण लेटका छे, वो तोतला सेठ भी राड़ा पाड़ रहा है। चलो मग खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। A few hours later. अभी आपके बताने की जरूरत तो नहीं है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ तो बस खाना वाना खा लिया है, अभी थोड़ी देर सो जाएंगे। यहाँ पे आके बहुत आलसी हो चुके हैं, हाँ तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात को काम ही करना पड़ता है, तो जब तक यहाँ आए हम अच्छे से आराम कर लेंगे, बॉडी फ्रेश कर लेंगे। सही पकड़े हैं। चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठेंगे करेंगे कुछ। A few hours later. शाम हो चुकी है, हमने उठ के नहा धो लिया है, नए कपड़े भी पहन लिए हैं। क्या बोला तूने? नया नहीं है, पूरा नहीं है, मतलब आज के दिन के लिए नए कपड़े पहने हैं ऐसा। चमाइला। चलो अभी जाते हैं हम, इनाज जाते हैं मामा देव के मंदिर, आज गुरुवार है ना, दर्शन वर्शन करके आएंगे, फिर लाला भाई की चाय पियेंगे। शाबाश। चलो तब यहाँ दर्शन करवा। अपने बेबी को लेकर निकल पड़ते हैं मामा देव मंदिर की ओर, इनाज गांव में। भाई ट्रैफिक बहुत है, खड्डे बहुत है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। चलो मंदिर पहुंचने को आया है, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few moments later. और बेबी को लेके हम पहुंच चुके हैं मामा देव के मंदिर की ओर, जय मामा देव। और ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, दिख रहा है आपको? जाना है आपको तो बैठ जाओ, जाओ, मेरा थोड़ी हेलीकॉप्टर है, मैं बिठाऊंगा आपको।
चलो आप दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। अरे अरे मरा मामा लोगों कहे से के तारा किस्मत करे से जो मारी रे पेला मामा उबा मारी मोर। A few moments later, अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बेबी को लेकर वेरावल की ओर। वहाँ बहुत ट्रैफिक थी, आज गुरुवार था ना इसलिए। और बाइक लेके हम जा ही रहे थे तो हम क्या देखते हैं, रुको जरा सबर करो। गाड़ी आगे लेते ही हमने देखा ये तो आईसीआईसीआई का मालिक है, ये हमको रास्ते में भटका गया है। चलो अभी साथ में ही चाय पी लेंगे लाला भाई की। और हम आ चुके हैं लाला भाई की चाय की टपरी पर। ये भाई रास्ते में मिल गया था तो चलो साथ में चाय पी लेते हैं। तुम्हारे पीवी भी तो हलो चलो तुम्हारा पैसा तुम्हें आप जो हमें नहीं आप हमारे घटे हैं हमारे। A few hours later, लाला भाई के उधर चाय पीने के बाद हमने घर पे आके खाना वाना भी खा लिया है, फिर आइसक्रीम भी खाई थी। शाबाश, गर्मी जे भाई उन्नाड़ो चाय आइसक्रीम तो खावी पड़े ना। सही पकड़े हैं। चलो हवे फुवान टाइम थे गयो है, 11:12 वाग्या है, बस मूवी नो लास्ट एंड बाकी है, जोइन आपले सुई जैसु। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।